इधर जातीय जनगणना को लेकर भी प्रदेश में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा, तो एसबीएसपी अध्यक्ष ने भी सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने एसपी को भी कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार सरकार पर जातीय जनगणना करवाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। नोएडा पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। जो लोग जातीय जनगणना से भागना चाहते हैं, वो इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो आउटसोर्स पॉलिसी पर पक्ष में है, वो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में। जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा, जाति जनगणना होगी। इधर एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। साथ ही सवाल खड़ा किया कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। जातिवार जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं, 4 बार इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खुद थी, तब याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी, लेकिन हुआ क्या? जातिवार जनगणना के लिए पैसा नहीं मांगा गया। उधर तो डबल इंजन, इधर क्या सिंगल इंजन थी, डबल इंजन चल रही थी, तब आपको याद नहीं आया। और आज याद आ रहा है, जातिवार जनगणना होगी, सामाजिक न्याय का सवाल है, आपने अन्याय किया है। बहरहाल जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच सवाल ये है कि क्या विपक्ष को मिशन 24 के लिए एक एजेंडा मिल गया है? क्या 24 में लाभ लेने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है? टीम न्यूज़ स्टेट।